दरबारी मंत्री विक्रम सिंह पहले कुर्सी लेकर आओ जाओ। हम आपसे कुछ मशवरा करना चाहते हैं। क्या मशवरा करना चाहते हैं राजन, बतलाइए। बैठिए। मंत्री विक्रम सिंह आज मुझे अपने दोस्त की याद आ रही है। बरसों पहले जब हम दोनों छोटे थे एक ही कॉलेज में पढ़ते थे जिसका नाम है गजराज। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। एक दिन हमने अपने दोस्त से वादा किया कि अगर तुम्हारी पत्नी के बेटा होगा, हमारी पत्नी के बेटा होगा या तुम्हारी पत्नी की बेटी होगी तो हम ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे। आज जी कहता है हम अपने दोस्त के कालू नगर पहुंचे। दरबारी कल सुबह होते ही मंत्री विक्रम सिंह कहिए राजन, कल सुबह होते ही घोड़ा निकालो मेरा। आज कल सुबह होते ही घोड़े से जाएंगे कालू नगर। राजन छोटी मुंह बड़ी बात। राजन आप कहते हैं कि आपके कालू नगर में आपका बचपन का दोस्त ठाकुर गजराज सिंह बहुत पुराना मित्र है। आप उसके यहां रिश्ता लेकर जाएंगे। राजन अगर आप बुरा ना माने तो कुछ सोच कर चलिए। राजन देरी नहीं कीजिए, थोड़ा टाइम से और समझदारी से काम लीजिए। राजन तो क्या करें मंत्री विक्रम सिंह। राजन हमारे कहने का मतलब यह है कि थोड़ी देर इंतजार किया जाए और फिर उसके बाद कालू नगर के लिए रवाना हुआ जाए। राजन हाँ महाराज, स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज जी मंत्री विक्रम सिंह जी का कहना सही है, हम क्यों ना थोड़ी देर इंतजार कर लें, शायद वो शुभ घड़ी हो आपके दोस्त आपसे मिलने ही। क्यों नहीं तो इंतजार कर ही किया जाए महाराज जी, वो शायद आ ही जाए। छोटो सर जरा देखो गेट पर कोई आवाज दे रहा है। जी वही तो हम भी थोड़ा थोड़ा सुन रहे थे कि गेट पर से कोई आवाज दे। जाओ देखो कौन आया है। महाराज जी हम लोग हम आपस में जो महाराज जी आप अपने दोस्त की बात कर रहे थे वो आपके गेट पर खड़े हैं, इजाजत क्या है महाराज। दरबारी इजाजत है, जाओ उन्हें इज्जत के साथ राज दरबार में लेकर आओ। जी महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा वैसा हमारा काम। अरे कहो दोस्त मनी ये हुआ कैसे आना, कहो दोस्त मनी ये हुआ कैसे आना, कहो दोस्त
नजरिया रही है, अजी बात क्या है मुझे तो बताना। बताना, अरे अजी ये दोस्त क्या बात है? सब कुछ बताऊंगा दोस्त, उदास नजर आ रही। कोई ऐसी बात नहीं मेरे दोस्त। महाराज बिनती यही एक हमारी, महाराज बिनती यही एक हमारी, महाराज बिनती कब है इनका रिश्ता तुम्हारा, मुझे कब है इनका रिश्ता तुम्हारा, मुझे कब है इनका रिश्ता तुम्हारा, बेटी शादी को योग हो चुकी है। जी राजन, आज मेरी सालू बेटी 18 वर्ष की पूरी हो चुकी है। क्या बात है? बचपन में आपने कॉलेज में कहा था कि दोस्त गजराज सिंह अगर समय आया तो ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेंगे। आज राजन उस समय आ गया है। ते बनराज कहां इनकार कर रहा है? आप स्थान ग्रहण कीजिए, हम अपने बेटे को बुलाते। ठीक है राजन। महाराज जी, आप इसमें देरी किस बात की कर रहे हैं? महाराज जी, आप लोग आए हैं, आप दोनों लोग दोस्त हैं, तो अच्छे से बैठकर आराम से शादी की बात हो जाए। दरबारी, मेरा आदेश है, मेरे बड़े बेटे को राज दरबार में लेकर आओ।
लड़की का ही तो आप लड़की का ही क्या है तो सूती है ना समझो यार कुछ बिछाओ छाओ परदीप हम तुम्हें यार दरबार में क्यों किया जी पिताजी मुझे राज दरबार में क्यों बुलाया गया पिताजी ये ठाकुर गजराज सिंह है मेरे दोस्त चलो पैर छो गजराज सिंह यही मेरा बड़ा बेटा है मेरे दोस्त आपका बेटा मुझे पसंद है देरी किस बात की तारीख 3 दिन बुधवार को आप अपने बेटे की बारात लेकर चले आए हम अपनी बेटी का कन्यादान कर देंगे राजन क्या पंडित से पूछ कर आए हो क्या हाँ राजन ओ महाराज जी तारीख बुध दिन 3 के दिन शादी पक्की कर दीजिए अभी क्या तारीख 3 का आराम से शादी फिक्स हो जाए तो ब्याह शादी हो जाए यही डेट का गोला बंद और तमाशा कर लेंगे कि अरे क्यों नहीं भाई क्यों महाराज जी चार ठैया घोड़ा आई है और 25 ठै रंडी आई है तखत पर घोड़ा डांस करी हम प्रदीप अब तुम्हें कॉलेज का टाइम हो रहा है जाओ मेरे दोस्त हम 3 तारीख दिन बुधवार को अपने बेटे की बारात लेकर आऊंगा तुम्हारे राजमहल ठीक है दोस्त हम आपका इंतजार करेंगे दोस्त मेरे दोस्त आज हम वादा करते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देंगे क्यों रहे दोस्त आप जा सकते हैं हम तारीख 3 दिन बुधवार को अपने बेटे की बारात ठीक है हम आप लोगों का इंतजार करेंगे मंत्री विक्रम सिंह हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है जरूर गजराज सिंह जरूर मुझे निमंत्रण मंजूर है आप भी लंबरदार जी पूड़ी के खार शौकीनो है सारी पूड़ी हम ही खा जाएंगे आप खास हो ना लंबरदार पूड़ी बहुत शौकी हो ना ठीक है मैं आपकी बेटी की शादी में निमंत्रण में जरूर आऊंगा ठीक है दरबारी हमारी तरफ से आपका भी निमंत्रण है जी हम जरूर आएंगे लेकिन आपके सामने घर के सामने जीटी रोड है बहुत चौड़ी रोड है तो फिर हम रोड लाइट लेकर आएंगे और साथ में 9 तखत का इंतजाम कर लेना ये क्या होगा घोड़ा डांस करेंगे भैया हाँ का बोलो जीटी रोड हाँ जीटी रोड इतनी चौड़ी बन रही है कि साले पूरे जिले के डीजे ऑर्केस्ट्रा लगा दे तब रोड बना माई चलो ठीक है अरे यार सुन लियो ये जाओ ना हाईवे बन रहा है कलकत्ता बनारस वाली हाँ ये लंबरदार की जागीर से एकदम निकलती हुई जहाँ डीजे वहाँ मतलब पंडाल बिया बारात के रही ना हाँ हाईवे के किनारे ना
अच्छा और पूरी व्यवस्था से आओ गड़बड़ी भाई तो बारात ऐसे खेत दी ये कुआं है ये कुआं है। हमें पहले अपना का झको राजा महाराजा की बारात है इस तरह नहीं बात किया जाता है। हे भैया ये कुआं है यार माँ उत्ती व्यार से चूती अग्नि नहीं खड़े है। अरे क्या ये हमारे मंत्री जी हैं? मंत्री है और क्या तही? यहून से कह दियो न्योते गए यार चले आई है उनको न्योता मिल गया है मिल गया okay. तो चलिए साहब जी और हम लोग बरा लेकर आएंगे।